हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमारी ये जो सीरीज है विच वी हैव स्टार्टेड कीपिंग इन माइंड टू प्रोमिनेंट एग्जाम्स ऑफ पंजाब, पहला है नायब तहसीलदार का एग्जाम, दूसरा है आपका कॉपरेटर इंस्पेक्टर का एग्जाम। तो दोनों ही एग्जाम्स में किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसका अंदाजा आपको होगा अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो करते हैं। एंड नॉट हमारी ये जो सीरीज है नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन दिस टू एग्जाम, पंजाब के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें भी जनरल स्टडीज का पार्ट तो आता ही है, ठीक है, तो उसमें भी आपकी सहायता बने रहेगी। तो हमारी सीरीज के साथ आप जरूर बने रहेंगे स्टूडेंट्स, और डेली हमारे सेशंस को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे है। पहला सवाल है, मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज, ऑप्शन ए साइक्लोनिक, बी कन्वेक्शनल, सी इलूसिव, डी ऑर्गोग्राफिक। क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर वन स्क्रीन पे है। किस प्रकार का रेनफॉल ज्यादातर इंडिया में होता है? हां जी, आंसर करें। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल मोस्टली अकर इन इंडिया। अब क्या कारण है, ठीक है, उस पर भी आएंगे। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल अकर्स स्पेशली जब आपकी जो सन हीट है उसकी वजह से अर्थ सरफेस बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, आपका जो वाटर है उससे वाटर में इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा, एंड द वार्म एयर राइजेज अप, जो वार्म और मॉइस्ट एयर है दैट राइजेज अप, एंड देन फाइनली जो है इट कूल्स डाउन एंड कंडेंसेशन होगा, जिससे आपके क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से, एंड देन फाइनली रेनफॉल अकर। जैसे आप इस इमेज के माध्यम से बड़ा सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि भाई सूरज की रोशनी की वजह से क्या हो रहा है, पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, दैट इज बेसिकली अ मॉइस्ट एंड वार्म एयर, देन फाइनली इट कूल्स डाउन, ठीक है, और कूल्स डाउन और कंडेंसेशन इसकी वजह से होता है, कंडेंसेशन की वजह से आपके ये आप क्लाउड्स देख पा रहे हैं, ऑलराइट, एंड देन फाइनली रेनफॉल अकर्स। तो इस प्रकार के रेनफॉल को हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, और ज्यादातर इंडिया में यही रेनफॉल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी लक्षद्वीप आइलैंड्स, एंड डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर टू स्क्रीन पे है आपकी। क्वेश्चन नंबर टू, सो डी इज बेसिकली द राइट आंसर, ठीक है। अंडमान वो जगह है भारत की जहां पर दोनों तरफ से साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल होता है, ठीक है। आप इस इमेज के माध्यम से समझ पाएंगे स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस इमेज, कि आप देख पाए कि भाई अक्टूबर जो आपका मंथ होता है, अक्टूबर से मार्च के बीच का समय जो होता है, इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, और इट इफेक्ट ये जो आपका अंडमान का क्षेत्र है, अंडमान निकोबार, यहां कहीं है अंडमान निकोबार स्टूडेंट्स। एंड दूसरी इमेज में भी देख लीजिए, अप्रैल से सितंबर का जो समय है इसमें साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहां पे रेनफॉल होता है, ऑलराइट। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद ड्राई मानसून फॉरेस्ट्स इन इंडिया। ऑप्शन ए एनुअल रेनफॉल इज बिलो 50 सेंटीमीटर, द ट्रीज आर शॉर्ट रूटेड, सी थ्रोनी शर्ब्स एंड ग्रासलैंड्स, एंड डी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स? सही उत्तर क्या होगा, आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या करेक्टरिस्टिक्स है इनमें से कोई है तो बताएं। सी इज द राइट आंसर, जो आपके ड्राई मानसून फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो आपकी प्लांटेशन होता है उनकी थ्रोनी शर्ब्स होती है, ग्रासलैंड्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, ऑलराइट। और बेसिकली अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, सो मैंगो, कीकर, महुआ, शीशम जैसे जो हैं इसके फाइनेस्ट एग्जाम्पल हैं। अगर मैं बात करूं भाई मानसून फॉरेस्ट, उसे ड्राई या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बनेगा स्टूडेंट कि ज्यादातर इंडिया में, सबसे ज्यादा इंडिया में डेसिडियस फॉरेस्ट का ही रीजन है, एज यू कैन सी थ्रू दिस मैप। इस मैप के माध्यम से देखें स्टूडेंट, डेसिडियस फॉरेस्ट ज्यादातर जो क्षेत्र है आपका वहां डेसिडियस रीजन ही है। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर लॉन्ग ड्राई सीजन होते हैं, लेकिन उसके बाद रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होता है। तो ये प्रायोरिटी रीजन्स हैं जो इसके क्षेत्र हैं, वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र।
ज्यादातर यहाँ पर ही जो है डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और भी एरियाज हैं बट प्राइमरली ये आपके क्षेत्र हैं। तो किसी भी प्रकार से सवाल आता है तो एटलीस्ट यू गॉट एन आइडिया कि आंसर कैसे करना है अगर डेसिडियस फॉरेस्ट से संबंधित सवाल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर? ऑप्शन ए हिमालयस, बी वेस्टर्न घाट्स, सी ईस्टर्न घाट्स और डी गंगेटिक प्लेन्स। कौन से रीजन में मानसून सबसे पहले आता है समर्स में? हाँ जी स्टूडेंट्स आंसर कीजिए, ईस्टर्न घाट्स, हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स और गंगेटिक प्लेन्स। सो बी इज बेसिकली द राइट आंसर। वेस्टर्न घाट्स में सबसे पहले जो है अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट का जो रीजन है यहां पर सबसे पहले रेनफॉल होता है। और इंडिया का ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा इंडिया का स्टेट है जहां सबसे पहले रेनफॉल होता है? सो केरला इज बेसिकली द स्टेट, केरला इज द स्टेट ऑफ इंडिया जहां पर पहला साउथ वेस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल होता है। तो ये जरूर याद रखेंगे स्टूडेंट, पूरा वेस्ट कोस्ट जो है यहां पर बारिश होती है बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ऑलराइट, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी इंडस, सी कोसी एंड डी चंबल। आंसर करें स्टूडेंट्स, कौन से सी रिवर हैं चारों में से जो निकलती भी भारत से ही है और खत्म भी भारत में ही हो रही है? ब्रह्मपुत्र के कंटेक्स्ट में बात करें चाइना से संबंध है, ठीक है, डी इज बेसिकली द राइट आंसर चंबल। स्टूडेंट्स ब्रह्मपुत्र का संबंध चाइना से है, ठीक है, पूरा चाइना से होते हुए ये भारत में एंटर करती है। इंडस वैली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया बट देन फॉल्स इन पाकिस्तान। कोसी का संबंध भी स्टूडेंट्स नेपाल इंडिया के साथ है बट वेन इट कम्स टू चंबल, तो चंबल जो रिवर है इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मऊ जो आपका वेस्टर्न मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर एक मऊ नाम की जगह है, यहां से ओरिजिनेट करती है एंड देन फर्दर यूपी में एंटर करती है, यमुना में ये मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख पाएंगे कि चंबल है स्टूडेंट्स एंड देन फाइनली मिक्स विद यमुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कृष्णा, महानदी, सी गोदावरी एंड डी कावेरी। आंसर करें स्टूडेंट्स, दक्षिण गंगा में से किसे कहा जाता है? सो क्वेश्चन 6 है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोदावरी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी ये जो रिवर है आपकी गोदावरी से दक्षिण गंगा कहा जाता है और सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया दोनों के लिए ही एक सेक्रेड रिवर है, जिसे नॉर्दर्न इंडिया में गंगा को नाम दिया जाता है सेक्रेड रिवर का। हालांकि पूरे भारतवर्ष में ही गंगा को पूजनीय रिवर या सेक्रेड रिवर कहा जाता है बट सदर्न पार्ट या सेंट्रल जो इंडिया है वो गोदावरी को भी बहुत सेक्रेड मानते हैं और इसे दक्षिण गंगा का नाम दिया गया। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? यमुना, चंबल, नर्मदा और कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स काइंडली आंसर, क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में बना है, किस रिवर पर इसे बनाया गया, ये प्रश्न है आपका। तो ऑप्शन सी नर्मदा इज द राइट आंसर, ठीक है। नर्मदा जो रिवर है स्टूडेंट उस पर इस डैम को बनाया गया है और स्पेशली जो सेंट्रल इंडिया है एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेस्टर्न घाट का जो क्षेत्र है इस डैम से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इरिगेशन की जो समस्या है इस पूरे रीजन में उसमें बड़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ये इंदिरा सागर डैम। ऑलराइट, तो ये आप देख पाएंगे स्टूडेंट कहां पर है ये पूरा, इसी ये पूरा रिवर है आपका नर्मदा रिवर। ऑलराइट, व्हिच समवेयर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मध्य प्रदेश रीजन देन फॉल्स, जो कि फिर ज्यादातर जो है फर्दर गुजरात में एंटर कर जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन? ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा एंड साबरमती। क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है आपकी, आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स? सो क्या उत्तर है? सी इज द राइट आंसर। गंगा जो है रिवर इसमें फ्रेश ये माना जाता है फ्रेश वाटर रिवर है और फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स यहां पाई जाती है,
कि काफी हद तक विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गई थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो आपकी डॉल्फिन्स हैं पूरी दुनिया की क्रिएचर में, वो यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, डॉल्फिन बहुत ही ब्यूटीफुल या समझदार जिसे हम कहते हैं, एक आपका एक्वेटिक एनिमल है। ऑलराइट, ये आप देख पाएंगे गंगा रिवर जो है, ठीक है, यहां पर ये है। नॉट ओनली गंगा, ब्रह्मपुत्र का भी काफी क्षेत्र है, जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर, या बांग्लादेश नेपाल का रीजन है, यहां पर भी जो है हमें देखने को मिलती है गैंगेटिक डॉल्फिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। एट विच प्लेस डस अलकनंदा भागीरथी मीट एंड टेक द नेम ऑफ गंगा? देवप्रयाग, अलाहाबाद, हरिद्वार एंड ऋषिकेश। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे क्वेश्चन 9 कि सभी जो है बड़े पूजनीय स्थान है, स्थल हैं स्टूडेंट्स, और इन सभी का जो संबंध है वो आपके उत्तराखंड से है, यूके से। सो क्या सही आंसर है? ऑप्शन ए देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोनों ये रिवर्स मिलती हैं एंड देन फाइनली इसको गंगा कहा जाता है। ठीक है, इस मैप के माध्यम से आप देख पा रहे हो ये अलकनंदा, ये पहले तो इस इमेज के माध्यम से देखिए अलकनंदा का जो पानी है, कलर देखिए कितना डिफरेंट है, एंड देन भागीरथी। ठीक है, बोथ द रिवर्स मीट कहां पर मिलती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलती है ये भागीरथी आ रही है, ये पीछे से अलकनंदा आ रही है, और देन फाइनली टेक द शेप ऑफ गंगा, और फर्दर इसे गंगा कहा जाता है। डिफरेंट प्रयाग हैं इस पर बने हुए, जिसमें रुद्रप्रयाग है, करण प्रयाग है, नंद प्रयाग है, एंड विष्णु प्रयाग, जिनका धार्मिक महत्वता है हिंदू धर्म में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, यहां से भी एग्जाम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड? ऑप्शन ए लूनी, गंगा, सी तीस्ता, डी ब्यास। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है आपकी, सही उत्तर बताएंगे। अजमेर जो सिटी है कहां पर, किस नदी के मुहाने ये लोकेटेड है बेसिकली? सो ऑप्शन ए लूनी इज द राइट आंसर। लूनी जो रिवर है, अजमेर का जो संबंध है बेसिकली राजस्थान से है, सेंट्रल राजस्थान में लोकेट करता है अजमेर। ठीक है, ये अगर आप मैप में देख पाए तो, ठीक है, तो लूनी रिवर यहां से गुजरती है और महत्वपूर्ण रिवर है लूनी रिवर राजस्थान की। अगर मैं अजमेर सिटी की बात करूं तो भाई 11वीं शताब्दी में अजय देव जो थे फाउंडर रहे हैं इसके, राजपूत रूलर थे उस समय के, और अजमेर शहर को इन्होंने बसाया था। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय अरावली हिल्स, जो अरावली रेंजेस हैं उस सराउंडेड है ये पूरा रीजन, और यहाँ पर लूनी जो है एक महत्वपूर्ण रिवर है, देन बानस रिवर जो है ये भी एक महत्वपूर्ण ट्राइब्यूटरी है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द रिवर्स। फर्दर कुछ लेक्चर्स में मैं आपको डिफरेंट रिवर सिस्टम से कुछ सवाल सवाल डिस्कस करूंगा, ताकि आपकी रिवर्स पर, माउंटेन्स पर, या जितना भी आपकी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं उनसे संबंधित सवाल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन्हें मैं प्रश्नों की फॉर्म में लेकर आऊंगा और जरूर हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ सवाल थे आज के लिए स्टूडेंट, आई होप आपको कुछ समझ आया हो कि कैसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए डेली हमारे सेशंस के साथ आप जरूर बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।